जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने अब समझौता एक्सप्रेस रोक दी है, ये जानकारी पाकिस्तान मीडिया के हवाले से आ रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंधों में कमी कर दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी। आर्टिकल 370 में बदलाव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने जहां पाकिस्तान से तल्ख अंदाज में कुछ भी नहीं कहा, तो वहीं पाकिस्तान लगातार ऐसे फैसले कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो। लेकिन पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर पर अभी तक सकारात्मक रुख दिखाया है। पाक से बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसा पड़ोसी हमारे बगल में बैठा है, भगवान करे कि ऐसा पड़ोसी किसी को न मिले। राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी आशंका तो हमें हमारे पड़ोसी के बारे में रहती है। समस्या यह है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, मगर पड़ोसी का चुनाव आपके हाथ में नहीं होता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार निलंबित करने की घोषणा की है। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को निलंबित करने के फैसले से ज्यादा नुकसान पाक को ही होगा। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मसले पर संसद में खुलकर विरोध दर्ज करा चुकी जेडीयू के सुर अब नरम पड़ गए हैं। जेडीयू का कहना है कि जब संसद में विरोध के बावजूद आर्टिकल 370 के अहम प्रावधान हट गए, तो अब इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि कश्मीरियों को गोलियों से नहीं बल्कि उन्हें गले लगाकर आगे बढ़ाएंगे। चौधरी ने कहा कि कश्मीर मुद्दा हमारा आंतरिक मामला है, हम कोई भी कानून बना सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें आईजीएमसी में भर्ती किया गया है। वीरभद्र सिंह कुछ दिनों से रामपुर में थे, जहां उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और उन्हें सीधे आईजीएमसी में शिमला लाया गया। वीरभद्र सिंह को सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही है। बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए के लोन न चुकाने, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ब्रिटेन में मुकदमे का सामना कर रहे विजय माल्या ने भारतीय बैंकों का पूरा कर्ज चुकाने की पेशकश की है। विजय माल्या ने ट्वीट कर ये ऑफर दिया है। विजय माल्या एक बार पहले भी ऐसी पेशकश कर चुका है। पहले सत्र में लोकसभा को ओम बिरला के रूप में नया स्पीकर मिला है, जिन्होंने कुछ संसदीय परंपराओं को सदन की बेहतरी के लिए बदल दिया है। साथ ही गतिरोध खत्म करने की दिशा में बड़े कदम उठाए और प्रचंड सत्ता पक्ष के मुकाबले कमजोर विपक्ष को बराबरी से अपनी आवाज उठाने का मौका दिया। देश का ऑटो सेक्टर काफी संकट से गुजर रहा है। बिक्री में भारी गिरावट से अब तक ऑटो सेक्टर में करीब 3,05,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इसे देखते हुए ऑटो सेक्टर के दिग्गजों ने जीएसटी में कटौती समेत कई तरह के प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग की है।